नमस्कार किसान भाइयों, आधुनिक युवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रैक्टर हमारा जो है जॉनडियर 5210 671 घंटे चलने के बाद में इसका डीजल एवरेज कितना रहता है तोता के ऊपर, तो इसका डीजल टेस्ट करने वाले हैं। उसके लिए हम टैंक को फुल कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और डीजल ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखें ताकि आपको सही से जानकारी मिल सके। ये हमने डीजल का टैंक फुल कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं डीजल का टैंक फुल कर लिया। एवरेज इसका हम देखते हैं कितना निकल के आता है। तो ये हमने इसका टैंक फुल कर दिया है और इसकी लाइव टेस्टिंग करेंगे हम। और आप जैसे कि देख रहे हैं, हम जा रहे हैं खेत पे और खेत में तोता लेकर हम निकले हैं। तो पहले भी हमने जब ट्रैक्टर नया था तब इसका डीजल एवरेज निकाला था, तो लगभग 5 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसका डीजल एवरेज आया था। तो इस बार देखते हैं कि क्या इसका एवरेज रहता है इतना 671 घंटे चलने के बाद में। तो ये इसको हम चला कर देख रहे हैं। इसको हम बी दूसरे में चला रहे हैं, इधर बी वाला और इधर दूसरे नंबर पर ट्रैक्टर चल रहा है। आरपीएम की बात करें तो 1100-1200 आरपीएम के हिसाब से चल रहा है। डीजल का कांटा भी आप देख सकते हैं फुल है। गहराई भी आप देख सकते हैं कि पीछे जो तोता चल रहा है बिल्कुल डेप्थ पर्याप्त मात्रा में ले रहा है। और ये हमारा खेत बचा हुआ है लगभग 1.5 एकड़ के आसपास। तो इसका एवरेज हम निकाल रहे हैं पूरे इस खेत के। आरपीएम आपको 1100 से 1200 के बीच में हम रख रहे हैं। तो बढ़िया इसका जो है डेप्थ भी बढ़िया ले रहा है और साथ ही साथ ज़्यादा लोड इस पर नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप इसको चलाएंगे तो बढ़िया एवरेज इसका निकल सकता है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो इसका नहीं देखा हो, जो हमने पिलाऊ पर इसका वीडियो बनाया था जब ट्रैक्टर नया था उस वक्त, और लाइव ऐसे ही हमने डीजल उसका टेस्ट लिया था कि पिलाऊ पर कितना ये नया ट्रैक्टर लेता है। तो पिलाऊ पर अगर आपने वो वीडियो पूरा नहीं देखा हो तो ज़रूर उसको जाकर देखें हमारे चैनल पर। ये खेत देख सकते हैं हमारा, इधर इतना हमने कर दिया है, उधर बचा हुआ है अभी और इधर इतना बचा है। तो आप उसका भी आकलन कर सकते हैं कि खेत कितना है हमारा। लगभग 1.5 एकड़ के आसपास पूरा जो है हमारा प्लॉट है। तो उसमें कितना समय लगता है और समय के हिसाब से कितना एवरेज निकलता है और साथ ही साथ खेत के हिसाब से कितना एवरेज निकलता है, तो ये दोनों चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसको हम 1.5 घंटे चलाएंगे पूरा हमारा खेत, जब तक पूरा तोता हो जाएगा तो 1.5 घंटे के लगभग इसको चलाने वाले हम। और 1.5 घंटे में देखेंगे कि इसमें टैंक कितना खाली हुआ है और कितना डीजल इसमें बनने वाला है। और बिल्कुल लाइव टेस्ट दिखाने वाले हैं आपको ताकि ऐसा कोई शंका ना हो कि भैया आपने क्या एवरेज निकाला है, हम कैसे माने। तो इसमें सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने सांग की और तोता की जो है गहराई भी देखी है, आरपीएम भी आप देख रहे हैं और मीटर में आप देख भी सकते हैं कि जूम करके कि 671 घंटे के आसपास में हो चुके हैं। और फिर जब हम इसका बाद में डीजल टैंक को वापस फुल करेंगे तो उस वक्त भी देखेंगे कि कितना मीटर रीडिंग इसकी आती है। तो जो भी है इसका क्या एवरेज रहता है वो आपके सामने रहेगा बिल्कुल। तो एक बार इसको पूरा हम कर लेते हैं। खेती से जुड़ी जानकारी, वैरायटियों से जुड़ी जानकारी और ट्रैक्टर का डीजल एवरेज जॉनडियर के बारे में कैसा रहता है, ये सारे वीडियो हमने पहले भी बनाए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वो सारे वीडियो की जानकारी आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि 671
76 घंटे ये हो चुका है। यानी कि लगभग 1.5 घंटे के आसपास ही चला है। 675 घंटे पहले था, थोड़ा बोलने में चूक हो गई कि 671 नहीं 675 घंटे ये चला था, और अब 676 पॉइंट में कुछ है। यानी कि लगभग ये कह सकते हैं कि 1.5 घंटे के आसपास ये टाइम के हिसाब से हमने इसका देखा है। तो ये डीजल इसका, अब हम देखते हैं, ये 5 लीटर डीजल है और 5 लीटर डीजल हम इसमें डाल रहे हैं। अब 5 लीटर में से कितना इसमें टैंक में बनता है, आपको हमने पहले ही दिखाया कि डीजल का जो टैंक था वो फुल था। हमने 1.5 घंटे ट्रैक्टर को खेत में चलाया है तोता पर, और अब ये 5 लीटर का केन है तो इसको हम उसमें डाल रहे हैं, तो इसमें कितना ये बनता है वो अभी हम देखेंगे। देखते हैं, भरा तो नहीं गया है क्योंकि पता नहीं चलेगा नीचे कि भरा हुआ है या नहीं। तो ये पूरा केन लगभग बन जाएगा, और आप नीचे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भराने वाला है। ये 5 लीटर डीजल इसमें पूरा बन चुका है, और आप देख सकते हैं कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको टैंक दिखाया था तो इतना ही डीजल उसमें था। यानी कि 5 लीटर डीजल इसने खाया है 1.5 घंटे में। ये वीडियो को मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कैलकुलेशन और सारी जानकारी कि इसमें क्या एवरेज रहा है। तो 1.5 घंटे ट्रैक्टर चला है और 1.5 घंटे में उसने 5 लीटर डीजल लिया है। खेत की बात करें तो लगभग 1.5 एकड़ के आसपास, ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, उसका परफेक्ट आकलन नहीं है, तो एक अनुमान के हिसाब से। तो घंटे की से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 3.5-4 लीटर मैक्सिमम अगर आप इसका निकालेंगे तो 4 लीटर के आसपास एवरेज इसका रहा है। पहले हमने भी इसका टेस्ट किया था जब ट्रैक्टर नया था, तब इसका 5 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से डीजल एवरेज इसका आया था, और अब 676 घंटे चलने के बाद में 4 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसका डीजल एवरेज रहा है। तो ये ट्रैक्टर इतना चलने के बाद में, यानी कि लगभग 600 घंटे जब ट्रैक्टर चल जाता है कोई सा भी, तो उसका एवरेज बढ़ जाता है। तो ये जानकारी दी, अच्छी लगी हो तो